पूरे देश भर में हमारी पार्टी की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, इस महिला आरक्षण बिल को पारित करने के दबाव डालने के लिए संसद में और इस मोदी सरकार के ऊपर पूरे देश भर में इस तरीके के धरने और इस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। और ये हमारी मतलब इसका एक ही है कि जो वादा किया ये सरकार ने, और 2014 में जब वो अपने प्रधानमंत्री बनने की और सरकार बनाने की जो प्रचार कर रहे थे मोदी साहब, तब उन्होंने यही कहा था कि हमारी बहुमत अगर हो जाएगी लोकसभा के अंदर तो फौरन हम महिला आरक्षण बिल को पारित करेंगे। 3 साल हो गए, राज्यसभा में हमने इसको पारित किया था, बहुत लड़ाई झगड़े के बावजूद वहाँ पर रात के 12 बजे वोट डालकर राज्यसभा में ये बिल पारित हो गई और लोकसभा को गई। उस समय कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है इसलिए ये नहीं हो पा रहा, बहुमत होते ही हम करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। इसके पीछे उनका एक विचारधारा भी, आज कई सारे बातें कह रहे हैं उनके जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारी बहुमत जब राज्यसभा में आएगी तब हम पास करेंगे। अरे राज्यसभा तो पास कर दिया इसको, ये गया लोकसभा के पास और लोकसभा में ये लोग ना करने की वजह से अब शायद फिर राज्यसभा को लाना पड़ेगा, वो कानूनी मतलब वो तकनीकी सवालों के ऊपर, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है उनके लिए वो कभी अड़चन नहीं है। राज्यसभा में जो बहुमत है आज वो महिला आरक्षण चाहती है, उन्होंने आगे ही पास किया। उनको ये हम चुनौती देना चाहेंगे कि अगर ले आओ इस बिल को, वो पारित हम करेंगे राज्यसभा में, उस बिल पर कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन बहाने हैं इसको ना पारित करने के लिए, वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़ने वाली बात। देश के अंदर संविधान सबको बराबरी हक दिया है महिला पुरुष को, लेकिन आज 70 साल के बाद भी हालत ये है कि ये बराबरी का हक जो संविधान देता है वो वास्तविकता में लागू नहीं होता, और इसको लागू करवाने के लिए दबाव जो चाहिए विधेयक बनाने के लिए संसद में, उस दबाव के लिए ज़रूरी है कि 33% कम से कम महिला वहाँ पे मौजूद हो, ताकि ये बराबरी की लड़ाई जो सिर्फ संसद में पहुँचने के लिए नहीं है, ये बराबरी की लड़ाई ये है आज के आर्थिक हालात में हमारे देश के अंदर पुरानी सामंती जितना प्रभाव जो आज भी बचा हुआ है, जहाँ पर महिला को बराबर इंसान के रूप में ना देखने की जो जितने सारे रुझान हैं उन सबको मिटाना है, और ये नए उदारवादी आर्थिक नीतियाँ आए जिसके चलते हुए बेरोजगारी का हमला सबसे पहला महिलाओं के ऊपर पड़ता है, और आज भी एक ही काम के लिए एक ही जो वेतन जो मिलना चाहिए वो भी उसूल लागू नहीं होता। ये सब अगर करवाना है तो महिलाओं की तादाद हमारे संसद के अंदर कम से कम 33% वहाँ पे रहने की ज़रूरत है, वो मुख्य उद्देश्य रहा। लेकिन यही बराबरी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता नहीं। मनुवाद के हिसाब से, मनुशास्त्र के हिसाब से वो समाज को चलाना चाहते हैं जहाँ पर महिलाओं का दर्जा जो है वो दूसरी स्थाई पर ही होगी, वो बराबरी का हिस्सा वो कभी देना नहीं चाहते, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई। कई सारे विधायक आज राज्यसभा के अंदर ले आए जो पारित नहीं होते, लेकिन उनको कानूनी तौर पर तिगड़म बना के कह दिया कि ये मनी बिल है। मनी बिल का मतलब है यहाँ पर पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होने के बारे में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। इस तिगड़म के साथ कई सारे विधेयक, जन विरोधी विधेयक जो है वो पारित करवा लिए राज्यसभा ने। अगर करना है तो वही तरीका अपनाओ इसके लिए भी। आखिरकार महिला आरक्षण करना चाहते हो तो खर्चा तो होगा, पैसा तो आप बहाना ही चाहिए आपको, तो वो भी रास्ता है जो पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं करेंगे क्योंकि करना नहीं। पहले ये बोला था क्षमता चाहिए महिलाओं में, वो क्षमता नहीं है। और ये बात आई थी जब हमारे पंचायत के विधायक जब पास हुई थी, वहाँ पर कानूनी तौर पर ये कहा गया कि पंचायत में तीनों स्थाई पर, पंचायतों में, ग्राम पंचायत में, आपके पंचायत ग्राम सभा में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में, तीनों जगह पर 33% का आरक्षण संसद ने पारित किया। तब कह रहे थे क्षमता नहीं है, महिलाएं मिलेंगी नहीं आपको, इतने जो लड़ेंगे उतने महिला मिलेंगे नहीं।
लेकिन हुआ क्या वास्तविकता में, जितने आपके सुरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर एक एक नई चार चार पांच पांच महिला के उम्मीदवार जो है खड़े होते हैं और उनके बीच में टकराव होती है चुनाव में। कमी और क्षमता की बात, ये भी बहाने हैं, ये सब बहाने बनाते हैं ताकि ये दर्जा बराबरी का महिलाओं को ना मिले देश में, जो हमारे संविधान के अंदर हमने ये अधिकार, मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसको नकारने के लिए ये सभी साजिश है। यानी उनकी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, उनकी नीयत के साथ जुड़ी हुई है और उनके कामकाज के साथ जुड़ी हुई है कि महिलाओं को घर के अंदर ही वो रहे, पहले बाप के लिए काम करें, उसके बाद पिता के लिए काम करें, उसके बाद बच्चे के लिए काम करें, बस वही उनकी ज़िंदगी है, यही उनका सोच और यही उनकी विचारधारा है। अब इसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो महिला आरक्षण बिल पारित करने का मतलब सिर्फ 33% महिलाएं संसद में पहुंचे या असेंबली में पहुंचे वही नहीं, पंचायतों के अंदर महिलाओं के पंचायतों के अंदर काम देखे तो पुरुष के पंचायतों से बेहतर कई सारे जगहों पे। तो ये बात है, आज वास्तविकता सरकारी रिपोर्ट बताते हैं। और भ्रष्टाचार सबसे कम होता है जिस ग्राम पंचायत में महिला जो है ग्राम प्रधान है, और इस काम के लिए कई सारे महिला ग्राम प्रधानों के दफ्तरों में एक ब्लैक बोर्ड लगा रहता है, काला बोर्ड, जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंट की सूची दी जाती है कि कितना पैसा आया, किस पे खर्च हुआ और कितना बचा। और ये जो काम जो हो रहा है महिला पंचायतों में नीचे के स्तर पर, आज पूरे दुनिया में पहले या दूसरे दर्जे पे है लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर महिलाओं की आरक्षण के सवाल पर भारत। लेकिन सांसद और असेंबलियों की तरफ अगर आप देखें 145 देशों के अंदर हम 138 नंबर पर हैं, यानी इतनी नीचे स्तर पर है। आज कुल मिला के हमारे संसद के अंदर शायद 11%, 10 के आसपास जो है महिला, 33 के जगह पर। तो ये बिना कानून के ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती बराबरी का। तो ये बुनियादी लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये बुनियादी लड़ाई है महिलाओं की बराबर की जो अधिकार है जो हमारा संविधान देता है उसको लागू करवाने के लिए। अगर इसको लागू करवाना है तो इस संघर्ष को हमें और तेज़ करना होगा। कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, हर बार उठाते हैं, हर बार सरकार कहता है कि हाँ नकारता नहीं कभी भी, हर बार सूची में होती है महिला आरक्षण बिल, लेकिन आता नहीं। अब आता इसलिए नहीं क्योंकि सरकार उनके हाथ में है, एजेंडा वो डिसाइड करते हैं, लेकिन इस दबाव के साथ ही वो उसके उनके ऊपर ये दबाव पड़ सकता है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग की उनकी सबकी कोशिश रहेगी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जब दबाव भी मजबूत नहीं होगी तब तक ये सरकार सुनेगी नहीं। इस सरकार को सुनाना है तो जैसे भगत सिंह ने कहा था, भैरी सरकार को सुनाना है तो बड़ी जोर की आवाज़ धमाका लगाने की ज़रूरत है। और जोर का धमाका क्या होगा आज की हालत में, पार्लियामेंट के अंदर हम उठाएं, सड़कों पर अपने कॉमरेड सब मिलकर इस सवाल के ऊपर जोर से इसके ऊपर संघर्ष करें, तभी ऊपर से नीचे से ये दोनों हाथ जो मिलेगी, इस हाथ की ताली जो है इस भैरी सरकार को भी सुनाएगी। तो इसलिए इसको हमें आने वाले दिनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ये दृढ़ता है, निर्णय है, इसको लागू करवाएंगे हम लागू करवाएंगे। इसके लिए दबाव हमारी पार्टी की तरफ से ही नहीं, बाकी सभी वामपंथी पार्टियां और जनवादी पार्टियों से भी हमारी अपील है कि आप इस बात को अपने अनुभव से ही खुद जोड़कर देखिएगा कि पंचायतों के स्तर पर कितना योगदान हुआ है इसके वजह से, आरक्षण की वजह से, और वही होगा आपके असेंबली और पार्लियामेंट में। और इसके आधार पर उनको भी लामबंद करके एक संयुक्त संघर्ष के रूप में हम इसको ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। और आप सब से हमारा यही निवेदन है कि ये लड़ाई इस बार हमें छोड़नी नहीं है। मोदी साहब को कहे कि जो वादा आपने किया लागू करो उसको। आज तक 3 साल में मोदी साहब का रिकॉर्ड यही हो गया, जितने वादे किए हैं उससे मुकरते ही हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही हर साल, यानी अभी तक हो जाना चाहिए था कितने, 6 करोड़
6 करोड़ की जगह सरकार ये आंकड़े बताते हैं कि 2,62,000 नए नौकरियों की सृष्टि हुई है आपके फैक्ट्रियों में, कारखानों में। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण रोजगार योजना था उसके लिए सरकार खुद बताती है आपके सुप्रीम कोर्ट में कि हर साल 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए जो वेतन में देना चाहिए था इन जिन लोगों ने काम किया ग्रामीण रोजगार योजना में, वो पैसा जो है सरकार, केंद्र सरकार रिलीज नहीं की है पिछले 3 सालों में, यानी 30,000 से ज़्यादा करोड़। यानी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो पैसा जो मिलना देना चाहिए था राज्यों को, जिसके चलते भी ये लागू हो, उसके अंदर भारी कटाई करते करते आधे से ज़्यादा ग्रामीण इलाके में रोजगार को घटा दिया। फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं, ग्रामीण इलाकों में रोजगार घट रही है। तो ये रोजगार का वादा का असलियत जो है ये खेत में है। हमें किसानों को कहा कि हम आपकी जो उत्पादन का आपका जो खर्चा है उसका 1.5 गुना दाम सरकार देगी। ये सब बातें मोदी साहब खुद के हैं 3 साल पहले, आज उसी बात से वो मुकर रहे हैं। और हमारे देश के अंदर सरकार खुद बेशर्मी के साथ कहती है कि जब से मोदी सरकार आई हर साल 12,000 से ज़्यादा अपने किसान, अपने अन्नदाता आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जा में डूब। यानी जब से वो आए हैं कम से कम 33,000 से 40,000 किसान अपने खुदकुशी आत्महत्या की है, क्योंकि कर्जे से उनका और कोई चारा नहीं। ये है उनकी रिकॉर्ड। तो महिला आरक्षण पे भी यही बात, मतलब वो कर रहे हैं कि वादा कर दिया लेकिन लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं, हम उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि अपनी खुद की बात, अपनी खुद की वादा को पूरा करो। और जैसे मैं कह रहा था, ये दोनों हाथ ऊपर से नीचे से हम इसको मजबूत करेंगे और करके आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कामयाबी होगी हमारी और ये आरक्षण बिल लोकसभा में पारित करवाएंगे और उसके चलते हुए 33% आरक्षण भारत के अंदर लागू होगा महिलाओं के लिए। ये पहला कदम है वो बराबरी की संघर्ष के लिए, जहाँ पर हमें पहुँचना है महिला पुरुषों के बीच में, और वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो आप सबसे हमारी अपील यही है कि आइए आने वाले दिनों में इसको और ज़ोर से, मतलब इस आंदोलन को हम आगे ले जाएं और ये सब आप करेंगे और हम हासिल करेंगे। आखिर हासिल ये ज़रूर करेंगे कि महिला आरक्षण का विधेयक लागू होगा अपने देश के अंदर, और उसके लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।